बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार शाम डिज्नी हॉटस्टार पर चैट शो के इस नए सीजन का पहला एपिसोड स्ट्रीम किया गया। अभिनेता रणवीर सिंह और आलिया भट्ट करण के फर्स्ट गेस्ट बनकर पहुंचे। जी हां, शो का ये एपिसोड काफी धमाकेदार रहा, जहां रणवीर सिंह और आलिया ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए। कॉफी विद करण में आलिया भट्ट ने पति रणबीर कपूर की एक्स दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को लेकर भी कुछ बातें कही। दरअसल चैट में करण जौहर ने रैपिड फायर के दौरान आलिया भट्ट से एक सवाल पूछ लिया। करण ने आलिया से पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ज्यादा सही लगता है। फिर करण ने आगे ऑप्शन देते हुए कहा कि एक्स के साथ दोस्त कैसे बने रहे या फिर अपने पार्टनर के एक्स के साथ दोस्त बने रहे। करण के इस सवाल का जवाब देते हुए आलिया ने कहा कि अपने पार्टनर के एक्स के साथ दोस्त कैसे बने रहे। आलिया ने आगे ये भी बताया कि मेरी अभी भी रणबीर के एक्स के साथ अच्छी दोस्ती है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि वो दोनों से ही बहुत प्यार भी करती है। कॉफी विद करण चैट शो में इसके अलावा रणबीर सिंह और आलिया भट्ट ने अपनी अपनी लव लाइफ के कई सीक्रेट्स तक शेयर किए। आपको बता दें कि आलिया भट्ट से शादी करने से पहले रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को भी डेट कर चुके हैं।